मैं सच्ची बता रही हूँ ये प्लांट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है जैसे ही आई स्टोर में गई ना तो मुझे हर चीज़ इतनी अच्छी लगी यानी हेलो माय पीसफुल सोल्स तो आज मैं आपको लाई हूँ मिस्टर डिया भाई मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी यहाँ जाने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो मेरी नज़र गई ना वो गई इन मैट्स पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पर मैट्स की चाहे आपको बच्चों के रूम के लिए चाहिए चाहे आपको अपने रूम के लिए चाहिए एंड दैट टू इन रीजनेबल प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस से इनकी ना कलेक्शन स्टार्ट होती है एंड उसके बाद मेरी नज़र चली गई इन क्वेश्चन कवर्स पे जो कि आराम से आपको फोर हंड्रेड हंड्रेड के मिल जाएंगे बट द क्वालिटी वॉज वेरी 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 नाइस एंड ये मैंने दो ब्राउन लिए भी हैं काफ़ी खूबसूरत है एंड बोहिमियन लुक के भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए मुझे तो इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी लगी बहुत अच्छा स्टोर है जो भी आपको चाहिए सब कुछ एक ही रूफ के नीचे मिल जाएगा लुक एट दिस क्यूट कलर्स मुझे तो लग रहा था मैं सब कुछ उठा लूँ बट अगर आपके आस कहीं पर भी डी स्टोर है ना यू शुड डेफिनेटली गो एंड मैंने ये दोनों पिक किए एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एंड इनकी जो फीलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी उसके बाद मुझे दिखे ये खूबसूरत से किचन स्टैंड जो कि काफ़ी अच्छे थे इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 500 यू कैन डेफिनेटली चेक आउट देम दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक उसके बाद मैं चली गई ये थी कलेक्शन उनके रग की रग्स काफ़ी अच्छे थे आपके बहुत आराम से स्टार्ट हो जाते हैं इलेवन हंड्रेड डिपेंड्स ऑन दी साइज़ एंड काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी एंड काफ़ी सॉफ्ट थे एंड क्वालिटी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस तो मुझे तो इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी लगी जैसा कि आप देख सकते हैं ह्यूज वेरायटी दे हैड उसके बाद इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको अलमीरा में कुछ हैंगर्स चेंज करने कुछ न्यू स्टाइलिश हैंगर्स लेने हैं ना तो यहाँ आप आ सकते हैं आपको स्टोल के लिए हैंगर आपको नॉर्मल हैंगर्स डिफरेंट काइंड डिफरेंट क्वालिटी के आपको हैंगर्स आराम से मिल जाएंगे एंड दैट टू वेरी अफोर्डेबल ये होता था स्टार्ट आई थिंक वन के अंडर मुझे काफ़ी अच्छे लगे अगर आप अपनी वॉल को डेकोर करना चाहते हैं या चेंज चाहते हैं ना तो उसके लिए वॉल ब्रैकेट भी आपको आराम से मिल जाएंगे जो कि सिर्फ वन से स्टार्ट होते हैं कैन यू बिलीव जो कि आपको ऑनलाइन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे तो काफी खूबसूरत अच्छे अमाउंट से ना ये स्टार्ट हो जाती है आपको कुछ स्टाइलिश वॉल क्लॉक चाहिए ना तो डेफिनेटली यू कैन कम टू मिस्टर डी आई वाई स्टोर अब यहां पर आपको बेसिक चीजें भी आराम से मिल जाएंगी एंड दिस इज दलमीरा लाइट जो कि रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है मुझे काफी अच्छी लगी फाइव फोर्टी में दिस इज़ रियली नाइस डील अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में जो कि है ये फेक प्लांट एंड फेक फ्लावर्स का काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी एंड बिल्कुल भी ना ये ऐसे नहीं लग रहे थे कि बिल्कुल ये आर्टिफिशियल है ये होते हैं स्टार्ट वन फोर्टी नाइन वन नाइनटीन रुपीज से एज लो एज दैट एज यू कैन सी वन 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 से भी तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी ह्यूज कलेक्शन है जो भी आपको चाहिए एंड यहाँ पर आपको बिग फ्लावर्स काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएंगे जो कि आपको ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं एंड बिल्कुल भी ना फेक नहीं

काफ़ी अच्छी कलेक्शन है डिफरेंट वेराइटी डे इज कमिंग तो यहाँ पर उसके लिए भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी एंड डिफरेंट कलेक्शन थी ऐसा नहीं था कि आपके एक किसी एक के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोर में कुछ था हर एक के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी एंड आई वॉज द हाईली इंप्रेस्ड और यहाँ पर आपको काफ़ी कोर की वॉल शेल्फ भी मिल जाएंगी जो कि फाइव में थी मुझे काफ़ी अच्छी लगी वुडन एंड मेटल का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत काम था आप यहाँ पर ज्वेलरी की कलेक्शन भी देख सकते हैं बहुत अच्छी है मुझे ये स्टोर बहुत ज़्यादा पसंद आया जब आपको हर चीज़ हार्डवेयर से लेके स्टेशनरी से लेके ज्वेलरी से लेके एंड किचन असेंशियल से लेके डेकोर से लेके सब कुछ एक ही रूफ़ के नीचे मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए एंड दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर इन लॉ से हाई टू एम उनकी वजह से मैं यहाँ पर आ पाई एंड उन्होंने ही मुझे ये स्टोर दिखाया एंड ये वॉल डेकोर मिरर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर थी थर्टीन हंड्रेड के मिल रहे थे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे एंड मेरा मन कर भी रहा था कि मैं ले लूँ एंड यहाँ पर आपको जैसा कि मैं आप देख सकते हैं मिरर्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है वॉल डेकोर की काफ़ी अच्छी कलेक्शन है जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ मिल जाएगी एंड वो आप आराम से देख भी सकते हैं तो अब चलते हैं अपने किचन सेक्शन में एंड किचन सेक्शन में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा आपको मॉप मिल जाएगा आपको जो भी चाहिए डस्टबिन चाहिए आपको अपने घर के लिए टिफिनस चाहिए वॉट यू वॉन्ट सब कुछ मिल जाएगा लॉन्ड्री बास्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी डिफरेंट स्टाइल था ना तो वो मुझे उनका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वहाँ पर मुझे स्टोरेज बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगे एंड ये पिंक कलर का था ना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड ये टू फिफ्टी का था आपको आराम से ना रेंज यहां पर वन फिफ्टी से स्टार्ट हो जाएगी काफी क्यूट कलेक्शन है एंड जो भी आपको कलर चाहिए जिस भी साइज का चाहिए सब मिल जाएगा एंड किचनवेयर में आपको यह सब मिल जाएगा यू कैन जस्ट ग्रैप वॉट एवर यू वॉन्ट एंड सबसे क्यूट चीज़ जो मुझे पूरे स्टोर में दिखी वो थी ये वॉम बॉटल जो कि बहुत ही क्यूट सी लग रही थी पिंक एंड ग्रीन कलर में देखी आई डोंट नो ये मैंने क्यों नहीं ली बट आप कभी जाएँ तो डेफिनेटली पिक दैम ऐप दे आर सुपर डुपर क्यों छोटी वाली तो बहुत ज़्यादा क्यूट थी एंड आई एम जस्ट रिग्रेटिंग कि मैंने ये क्यों नहीं ली हा पर आपको किचन शेल्फ वॉल शेल्फ आराम से मिल जाएंगे और वो भी काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में जो कि स्टार्ट होता है क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी तो रेंज स्टार्ट होती है सेवन हंड्रेड कुछ से बट क्वालिटी इज वेरी नाइस और ये हैवी भी काफी थे एंड डिफरेंट वरायटी इज अवेलेबल है यहाँ पर आपको किचन टॉवल की वेरायटी काफी अच्छी मिल जाएगी एंड काफी क्यूट सी कलेक्शन थी मिनी मिनीसो में जैसी मिलती है वैसी भी थी कलर्स से लेके फैब्रिक से लेके रेट से लेके एवरी थिंग परफेक्ट एंड ये जस्ट सेवेंटी फाइव के थे एंड मुझे काफी क्यूट लगे ये बने and he's यहाँ पर ये मुझे मैट भी बहुत अच्छा लगा था एंड ये आई थिंक 1200 का था अब उसके बाद यहाँ पर ना टोर मैट की कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी की स्टार्ट होती है एज लो एज 200 और 150 ह्यूज वैरायटी जो आपको पसंद हो वो आप पिक कर सकते हैं हेलो माय पीसफुल सोल्स वेलकम बैक तो आज ना ये हो गया आई थिंक डे थ्री एंड मैंने जो टूर दिखाया काफ़ी मजेदार था एंड या प्लीज़ इग्नोर माई दिस टी शर्ट मैं फिर से पहन रही हूँ बहुत बार पहन लिया है नो कपड़े नहीं मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एंड वो भी टॉडलर के साथ एवरी थिंग इज सो मेस्ट में आपको बता नहीं सकती एनी वेज तो मैं जो जो थोड़ी बहुत चीजें लाई तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए काफी मजेदार स्टोर है एंड आप ना कहीं पर भी ये स्टोर ढूंढ सकते हैं मतलब ऑल इंडिया इनके आ, है तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं मैंने ज्यादा चीजें पिक नहीं की क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास बट जितनी भी पिक की दे आर ऑसम एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आई तो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए एज माई अलमीरा इज अंडर कंस्ट्रक्शन वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी मैंने क्या कैसे बनाए कितने पैसे लगे एंड मैंने क्या-क्या मटेरियल -क्या उसमें यूज किया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी पर उससे पहले मैं दिखा देती हूं ये क्लोदिंग हैंगर मुझे पड़े हैं 230 के 6 एंड क्वालिटी इज रियली नाइस बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया तो ये मैंने लिए हैं 12 एंड ये एक जैसा कि मैंने आपको बताया ये पड़ा है 230 रुपीज का एंड नेक्स्ट हैंगर इज़ दिस वन एंड ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि मैं छोटे से बॉक्स में इसे लेके आई थी एंड दिस इज़ फॉर वन थर्टी नाइन रुपीज़ ये मुझे काफ़ी अच्छा स्पेस सेवर टाइप लगा तो यहाँ पर आप अपने ना स्टोल सारे के सारे टांग सकते हो तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस परचेज फॉर मी इसके बाद ना मेरी निगाह गई इनमें ये किचन टॉवल है जो कि मुझे काफ़ी खूबसूरत से लगी ये माइक्रोफाइबर टॉवल है इनमें भी आपको कई बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी तो ये मैं सिर्फ दो लेके आई हूँ अभी एंड मैं दिल्ली वाले में भी बहुत जल्दी जाने वाली हूँ और उधर भी मैं आपको ले जाऊँगी एंड जो नेक्स्ट है वो है मेरे फेवरेट एंड वो है थोड़े बहुत मेरे फेक प्लांट्स एंड लुक एट देम मैंने ना फ्लास्क में पहली बार इन्वेस्ट किया मैं जहाँ भी जाती थी मुझे फ्लास्क ना काफ़ी ज़्यादा वो होते ना नकली से लगते थे बट मैं जैसे ही डी स्टोर में गई ना तो मुझे हर चीज़ इतनी अच्छी लगी एंड इनकी जो आर्टिफिशियल uh, प्लांट्स की कलेक्शन थी ना वो बहुत अच्छी है आपको डेफिनेटली वहाँ जाके चेकआउट करना चाहिए अगर आप अपने नए घर पे जा रहे हो अगर आप अपने रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो और अगर आप अपने घर को ना थोड़ा सा फ्रेश uh, लुक देना चाहते हो और आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो डी स्टोर इज़ दी बेस्ट फॉर यू ट्रस्ट मी आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैं इतने पैसे खर्च क्यों करूँ एंड यू आर लाइक मी कि हाँ आपको थोड़े थोड़े चेंज अपने घर पर पसंद है तो आप जाइए डी स्टोर एक बार तो डेफिनेटली बनता है एनी एंड दिस इज़ दी फ्लार विच इज़ इन लाइट पिंक कलर और ये मुझे सिर्फ वन नाइनटीन रुपीज़ का पड़ता है अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी ऑनलाइन देखेंगे ना इतने एक्सपेंसिव मिलेंगे एंड लुक एट दी क्वालिटी क्वालिटी इज टॉप नॉच एंड नेक्स्ट चीज़ लेके आई वो है ये क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट ग्रीन प्लान आई डोंट नो वट वी कॉल दैम एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ये भी काफी ज्यादा सस्ती ये सेवेंटी फाइव रुपीज का एक है एंड द थिंग इज दैट कई बार ना हम इतनी सस्ती चीज़ लेते हैं जो आपको लगता है बहुत ही नकली टाइप लग रही है पर ये बिल्कुल नहीं लग रही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है तो मैंने दो उठा लिए मेरे कहीं कही ना कहीं काम आ जाएंगे एंड देन हेयर कम्स दीज क्यूट लिटिल फ्लावर्स आई होप यू कैन सी जो मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल है और ये ऐसा लग रहा है जैसे ऑरिजिनल है अब मैं इनको वास में रखूंगी स्टाइल करूंगी क्योंकि मेरा गाना पूरा तहस नहस है फिर से मैं पूरी चीजें रियनोवेट करके आपको दिखाने वाली हूँ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे ये चीजें स्टाइल करूँगी। अगर आप देखना चाहते हो ना प्लीज डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन मुझे अच्छा लगेगा तो ये मुझे पड़े हैं वन जीरो नाइन रुपीज़ के तो ये दोनों मुझे वन जीरो नाइन रुपीज के पड़े तो मुझे काफी अच्छे लगे लास्ट वन इज दिस हैंगिंग प्लांट जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा एंड आई वॉज लाइक मुझे ये ले लेना चाहिए एंड ये मुझे पड़ा है टू फिफ्टी टू रुपीज़ का इट्स मैं सच बता रही हूँ ये प्लांट बिल्कुल लग रहा है

वॉचिंग चलिए फटाफट से ना हम अगली वीडियो में मिलेंगे एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन के आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं ओके बाय एंड टेक केयर